सीधी होके पहले बात तो कर ले, बात तो कर ले। आया था उस टाइम पागल कैसे हो गए थे, इसने कहा था मैंने लेना है, दूसरे ने कहा था मैंने लेना। अगर आप लोग ने ऐसी कोई वीडियो बनाने की सोची हुई है तो आप भी थोड़ी एहतियात क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, उम्मीद है सब खैर खैरियत होंगे। अच्छा, आज की वीडियो छोटी सी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, आज बिल्कुल छोटी सी है। अच्छा, हमारे सबसे पहले तो मेरी एक अदद बेगम पाक से बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बहन भाई, ठीक हो, उम्मीद है खैर खैरियत नाल हो, सते मैं भी ठीक हूं। आज तो पता नहीं क्या खूबसूरत है। अच्छा, मैं अपने बहन भाइयों से सोहनी मैं तेरे वर्गी सोहनी जड़ी है ना, सिर्फ मैं ही लई है। ए तेरे वर्गी सोहनी सिर्फ मैं लई है, ओई मैं बोल गई हां, पता नहीं किस तरीके ना बोले हां, पहले तो देखिए तो छुपा सल किराती सदवाया है। हां अच्छा, एक अच्छा कुदरती बात इसने खोल दी है, मैं आपसे ये बात भी शेयर कर दूं कि मैं कराची में रहता था, अच्छा खासा इतना खूबसूरत लड़का था, इसने ये जिस तरीके की इसकी अपनी शक्ल है, इससे भी बदतर मेरी शक्ल बना दी। नहीं, तो तर तस्वीर लाके आया ना, मेरे नंद ते मेरे ससुराल जड़े और लाके आया तस्वीर ना दी ते मेरी अम्मी अबू और या के ये बुड्ढे लग देखा ले। तो सदु ही तस्वीर चल ना असल ते देखना चाहने, छुपा सा सदवाए मेरी अम्मी अबू और नानू। अच्छा, जब मैं स्पेशल इनके लिए आया तस्वीर में, चलो बूढ़ा ही सही, तो जब मैं आया था उस टाइम पागल कैसे हो गए थे, इसने कहा था मैंने लेना है, दूसरे ने कहा था मैंने लेना। अच्छा, ये 12 साल की माशाल्लाह मेरी, तो सब ने आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू कर, एक ने कहा मेरा, दूसरे ने कहा मेरा है। अच्छा, तो बहरहाल बात ये है, मेरी हालत ये कर दी है और खुद कहती है जी मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, कहाँ से खूबसूरत है। अच्छा, हमारी एक बहन ने जो है मैसेज किया ग्रुप में, अपना उसमें कमेंट्स किया, उसने बोला यार नासिर भाई आपकी बेगम जो है बहुत ज्यादा काली हो गई। अच्छा, ये काली होने के चक्कर में इसने अब क्या सोचा है वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, एक मिनट में दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, मेरे इसने उस कमरे में, अच्छा मैं सब्जी लेके आया, मैंने इनको सब्जी दी, तो इसने जो है सब्जी इस कमरे में रख दी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये पड़ी, इधर आना, इधर 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 आ जा, ये ना बोला कि मैंने झूठ बोला, ये देखें ये सब। अच्छा, मैं इसे ये सब्जी क्यों रखी हुई है, सब्जी रखी है ये सारे बण बणा कमास कीता है कि काली दी नहीं कीता ना, सारे बण बणा कमास कीता कि खाना बनावण नहीं आंदा। नहीं, ये बात नहीं है। एक हमारी बहन ने कमेंट्स किया, उन्होंने बोला नासिर भाई आपकी बेगम जो है ना वो काली हो गई है, उसको क्रीम लेके दो। तो ये क्रीम के चक्कर में इसने बोला कि मैं धूप पे नहीं बैठूंगी, सालन मुझे कह रही तूने बनाना है। तो अच्छा, ये सब्जी भी यहाँ पे ले आकर रख दी इसने, कह रही ये सब्जी खुद बनाओ, और वो चूल्हे पे वो सामने आगे चूल्हा देखे वहाँ पे इसने वो कुंडी डंडा और वहाँ पे दिचकी वगैरह वहाँ पे रख दी, कह रही वहाँ पे साया तो वहीं पे बैठ के बना ले ना, तो मैं नहीं बना रही, मेरा रंग काला हो रहा है। रंग काला दिन पर नहीं, देख कितनी, देख कितनी खूबसूरत, ओए होए होए, रंग काला हो रहा है और मेरा देखे कितना खूबसूरत हूँ, मुझे ही धूप पे बिठा रही है भाई, मैं अब दांत किस चीज़ के निकाल रही है। तो ये सब्जी मेरे लिए रखी हुई है, चलो काट देता हूँ, लेकिन खुद बनानी है, बस फिर तो आज तो बनेगी, तो तुमने खाई मेरे हाथों की बनी हुई। फिलहाल मैं कह रहा हूँ मैं चलो काटता हूँ। अच्छा, मैं ये सब्जी काटता हूँ। अच्छा, मैं अपने बहन भाइयों से एक और भी बात शेयर करने जा रहा हूँ भाई, कल हम लोगों ने एक वीडियो लगाई थी, उस वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात आपसे करनी है, हमारे साथ रहिएगा। फिलहाल सब्जी काट के इसको देता हूँ, ये खुद बनाएगी। वीडियो बना रही, ओ देख ले। अच्छा, मैं सब्जी काट रहा हूँ, वीडियो बना रही खड़ी होके ना। तो बहरहाल ये एक चीज मैं आपको बताता चलो भाई, वो कहते क्यों मैनू आखे ने बदेना के खाना बनाना नहीं आंदा ते कल ही, इसलिए वो कैमरा पकड़ के खड़ी हो गई, मैं काट रहा हूं ऊपर से वो मेरे ना वीडियो बनाई जा रही है। चंगा ना, थोड़ा दवाई बात ये है भाई, कहते हैं भाई जो है ना रन्ना वाले दे पकड़ पराठे ते छड़े दे आग ना बले, मतलब के छड़ों की कहते हैं आग नहीं जलती, और औरतों की जो है जिनकी औरतें होती है उनके पराठे बनते हैं, तो ये देख ले ये पराठे बनते हैं। हमारी बहन ने क्या कह दिया भाई, काली है तो उसने खाना बनाना छोड़ दिया। अच्छा खासा मैं कितने मजे से दोपहर को बैठ के खाना मैंने खाना था, और शौक से मैं लेके आया हूँ आलू गोभी, और खुद बनाओ तो खुद खाओ तो खुद खिलाओ, बस ठीक है करता हूँ।
अच्छा इसकी उर्दू भी सुनते रहना आधी उर्दू आधी पंजाबी जितनी से बनाना है मैंने सब्जी काट दी है जितनी से उर्दू आती है उतनी से उर्दू बोलूंगी जितनी से पंजाबी आती है उतनी से पंजाबी सी आएगी उतनी सी बोलेगी लेकिन बात ये भी सालन खुद बनाना है मैंने सब्जी काट दी है नहीं खुद बनाना है कितने स्टाइल से काटी है साय पे बैठ के काट रहे हैं सब्जी तो धूप मुझे बैठाओगे धूप पे मैंने नहीं बैठना खुद बैठोगे चलो कोई बात नहीं सब्जी तो वही है जो मैंने काट दी है तो इतनी स्पीड में किसी ने नहीं काटी होगी जितनी मैं काट रहा हूँ स्पीड से ना तो लो जी मैंने गोभी जो है वो काट दी है आलू भी काट दिए और ये नवाब जो है ना ये यहाँ पे दांत निकाल रही है खड़ी होके और ये देखे मेरे से कितनी मेहनत करवाई जा रही है आपके सामने और ये उठाएं और ले जाएं जाके बनाएं। अच्छा मैं तमाम बहन भाई जितने भी हैं उन सबको एक तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जुमे की आज जुमातुल मुबारक की अजान भी हो रही है। अच्छा दूसरी बात ये है भाई हमारे बहन भाई जो हैं सीडीओ के पहले बात तो कर ले अच्छा हमारे बहन भाई कमेंट्स कर रहे थे वो कह रहे थे भाई यार नासिर भाई कल वाली वीडियो जो है उसमें जो आपने लफ्ज़ बोला है जी बेटी वाला या बेगम ने बोला जी बाबा तो वो कह रहे थे भाई ये इस पर निकाह पे असर होगा अफला होगा ढिमका होगा काफ़ी मुझे कमेंट्स आए एक दो बहनों ने मुझे कॉल भी की मैंने उन्हें कॉल पे भी बताया था और कमेंट्स के जवाब में भी नीचे मैंने लिखा था भाई मैंने जो है इस तरह की कोई हरकत नहीं की जिससे मतलब कि वो जैसे वो कह रहे हैं जी निकाह पे असर हो जाएगा फलां और ढिमका ये ऐसा कुछ भी नहीं है और बाकायदा मेरे जो है मैंने दो तीन मौलवियों से भी पूछा था और इलामा साहब हैं हमारे इलाके में वो फतवे वगैरह देते मैंने उन्हें भी वीडियो दिखाई उनसे भी पूछा उन्होंने कहा ऐसा कोई मसला भी नहीं है वो एक फ़नी है और ऐसा कुछ भी नहीं है अक्सर वो मौलवी साहब डरा रहे होते हैं वो उसकी वजह भी उन्होंने ये बताई है भाई इसकी वजह ये है भाई अगर हम लोग ना डराएं ऐसी बात ना कहें तो ये लोग जो है ना ये इस लाइन पर लग जाते हैं तो बहरहाल इस चीज़ पे फिर भी मैं ये कहूँगा भाई आप लोग ऐसी गलती आप लोग भी ना करें और मैंने भी जो की है अव्वल तो वो की नहीं है क्योंकि वो कह रहे भाई ऐसी कोई मसला भी नहीं है आप लोगों को लग रहा है कि मैंने ऐसी गलती की है तो बहरहाल अगर मैंने की है तो नेक्स्ट टाइम मैं इस पर वो मतलब करूँगा भाई ऐसी कोई हरकत ना करूँ तो अगर आप लोग ने ऐसी कोई वीडियो बनाने की सोची हुई है तो आप भी थोड़ी एहतियात किया करें बहरहाल हाँ बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कोई है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे कोई निकाह पे असर हो या कोई ऐसी बात हो तो बहरहाल उम्मीद है आज पता नहीं था ना हम लोगों को पता तो फिर तो नहीं बनाते थे इसलिए पता तो नहीं था हाँ पता तो नहीं था देखा ना अब ऐसा ऐसा उर्दू बोलने लग गई है मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ चलेगा तो बहरहाल बेगम बना रही है जिस टाइम बेगम नहीं बना रही आप उन्हें नहीं मैं नहीं बना रहा बेगम बना रही है और वो आ गया पहले उसे उठाओ 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 पहले वो धूप ही आ रहा है एक तो ये है भाई ये सुकून से बैठने ही नहीं देता किसी को ना ये जब भी देखो इसकी यही हरकतें होती है धूप पे घूमता है तो बहरहाल मेरी बेटी वहाँ पे इंतज़ार कर रही है सालन के लिए अब ये सब्ज़ी लेके जाएगी जहाँ पे वहाँ पे सालन बनाएगी और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी पसंद आई तो सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी कर दें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उतनी देर दें हमें इजाज़त अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।